नाउ राजदीप, एम आई ऑडिबल? चीजें आपको समझ में आ रही है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, कि अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो तो हमें बताया करो, बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंश्योर करूँ कि आपको जहाँ दिक्कत हो उसे ठीक करना है। तो अगर समझ में आ रही तो अच्छा है, ठीक है। और आप कभी भी कुछ भी फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हो, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट या कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो आई एम ऑलवेज एक्सटेंडिंग माई हैंड्स फॉर योर हेल्प, ओके। और कहीं कहीं पर अगर आंसर आता है तो जवाब भी दिया करो, उससे क्या है कि मेरा मोरल बूस्टअप होता है। जैसे हिमांशी जवाब देती है तो दैट मेक्स मी मीनिंगफुल, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो नाउ, हम लोगों ने मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया था। वाई मोलैलिटी सुपीरियर अमांशी देन मोलैलिटी? चेंज विथ टेम्परेचर। बिकॉज इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इज मास परसेंट ऑल्सो सुपीरियर देन मोलैरिटी? इज मोल फ्रैक्शन ऑल्सो सुपीरियर? बोलो, यस सर। क्योंकि वहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स तो घटेंगे नहीं, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी सुपीरियर है। ओके नाउ देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस लेफ्ट, आई थिंक ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट दैट वी विल सी। सो इट इज 1.17 क्वेश्चन और बच गया इस पर, 1.17 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। दिस इज अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये एनेस्थीसिया है, किसी चीज को निश्चेतक बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, तो CHCl3। तो ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका नाम है ट्राई क्लोरो मीथेन, ठीक है। ये एनेस्थीसिया है, निश्चेतक बेहोश करने के लिए। सो इट इज CHCl, और Cl ट्राइक्लोरोमीथेन है। अब यहां पर ये चीज दी गई किसी को, तो उसमें बताया गया कि किसी पानी में ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेट हो गया वो क्लोरोफॉर्म से, एंड CHCl3 इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब होता है? इट इज कैंसर प्रोड्यूसिंग, सिनोजेनिक। तो ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को दिया गया था उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, जब डिलीवरी हो रही थी फर्स्ट बेबी की। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कार्सिनोजेनिक है, तो बाद में इसका यूज रोक दिया गया वर्ल्ड में। अभी ये मेढक का जब डाइसेक्शन होता है तो उसको सुंघाते हैं बस क्लोरोफॉर्म, और ह्यूमन को ये नहीं दिया जाता है अभी। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑफ बेटर एनेस्थीसिया व्हिच आर नॉन हार्मफुल टू अस, दोज आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, नॉट द क्लोरोफॉर्म। सो इट इज कैंसर प्रोड्यूसिंग। कैंसर क्या होता है? हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, किसी भी पार्ट में अगर सेल अपने आप बढ़ता चला जाए और डीएनए अपना कंट्रोल खो दे और सेल का ग्रोथ होता जाए मल्टीपल टाइम्स, तो उसको कहते हैं कि वहाँ कैंसर हो गया है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है। तो आसपास के ऑर्गन्स को वो दबा देता है और अल्टीमेटली मनुष्य मर जाता है। तो कैंसर प्रोड्यूसिंग है ये। अब जरा देखें, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 PPM, सो कंसंट्रेशन क्या दी गई है? इट इज 15 पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको ये एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज बाय मास। सो इसका मतलब क्या है? 15 PPM का मतलब कि 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स
15 पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन का तो यही मतलब होता है ऑफ CHCl3 कि 1 मिलियन यानी 10 लाख में कितना पार्ट है, वही होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन तो इतने पार्ट में इतना पार्ट, तो 100 में कितना पार्ट, वो परसेंटेज हो जाएगी। सो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 by 10 to the power 6 इंटू 100, तो इतने में इतना, तो 1 में कितना इससे डिवाइड करो तो 100 में कितना, तो ये आ जाएगा 15 by 10 to the power 4, या इसे ये कह सकते हैं 15 into 10 to the power -4%, इतने परसेंट हो गया। सो दिस इज कंसंट्रेशन इन मास परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखो, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब कह रहा है मोलैलिटी पता करो, तो सेकंड देखिए कि हमारे पास उसमें सॉल्वेंट का मास आएगा केजी में। सो ये कहा जा सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15, अगर ग्राम में व्यक्त करो तो ग्राम ग्राम ले लो, है वही चीज कि इतने पार्ट में इतना पार्ट, लेकिन मैंने ग्राम लिख दिया तो ग्राम ग्राम में हो गया। इतने ग्राम ऑफ CHCl3, ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना हुआ। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाएगा। सॉल्यूशन के मास में से किसे माइनस कर देना होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट बोलो, कर दिया कि नहीं, ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूट है, तो कितना आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 9 9 9 9 9 9 9 9, ये चीज आ गई इतने ग्राम। अगर केजी में निकालें सो 999.985 kg, इतना वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी इतने केजी ऑफ वाटर, वाटर ही कंटामिनेट हुआ है। अब जरा देखो कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स का फिर फर्दर फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो मुझे पता चल गया है 999.985। तो मुझे ये बता दो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास क्या है। ना आ रहा है 118.5 118, तो मास हो गया है 15 और डिवाइडेड बाय 118.5 और डिवाइडेड बाय 999.985, जो मेन क्वोशेंट होता है इज इक्वल टू वहां लगता है, ये लगा दिया। सो दिस इज 15 by 118.5 इंटू 999.985। इसको बेटर है साइंटिफिक नोटेशन में नीचे वाला लिख दें, क्योंकि कैलकुलेटर में आ नहीं पाएगा। तो 1.185 इंटू 9.99985, दो जीरो इधर बचाए, दो जीरो इधर बचाए, तो 10 to the power 4 हो गया। अब जरा नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके बताओ, कैसे आ जाएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करोगी तो ठीक से करो।
99 का 11 में करोगी तो 140 तो नहीं आएगा, 9 का 1 में कर रही हो। इलेवन पॉइंट एट फोर नाइन और इंटू 10 to the power 4। अब इससे 15 से इसको डिवाइड करो और बताओ। टू सिक्स फाइव इंटू 10 to the power -4 स्मॉल एम। स्मॉल एम को कहते हैं मोल पर केजी। क्यों? क्योंकि ऊपर मोल था नीचे केजी था। पीछे आंसर दिया है, नहीं तो मैं उससे देखूं। पीछे नहीं होगा ना, 1.17 से दिया है, पीछे देखो। तो 1.1.265 है ना, थोड़ा फर्क आया है इसमें, 1.25 है, क्योंकि इसने नीचे अप्रोक्सीमेशन ले लिया है। जो 99985 था, 119.5 आ रहा था, 118.5 आपका कैसे आ गया? क्लोरोफॉर्म का सही नहीं निकाला क्या? चेक करते हैं। 12 + 1 और +35 पॉइंट का 3 गुना, 105, 106, तो 106.5। अब ये 13 हुआ, तो 13 को जोड़ो, 119 आ रहा है। यहाँ भी तो गलती हुई है, देखो बोलो। तो अब इसे ठीक करो और थोड़ा सा और मुझे रिफाइन करो, जिससे मैं सही आंसर तक पहुंच सकूं, क्योंकि पीछे 125 आ रहा है। तो 119.5 नीचे का आंसर मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये इसी को करो, इसको 1.19 लिख दिया ना, अब मल्टीप्लाई करो तो बताओ यहाँ क्या है। नाइन फोर नाइन कर लिया। चलो अब इससे 15 से इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 1.255। अब सही आया है, यही आंसर है। तो इसको स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये क्या है, दिस इज मोलैलिटी, सो वी विल एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एम। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री के चैप्टर धीरे चलते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। फिजिक्स और इन सब के छोटे हैं तो जल्दी होते हैं। समझ में आया? ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, सेकंड वाला भी। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इट वॉज वाई देयर वॉज ए नीड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो सबसे पहले तो ये बता दिया गया था डाल्टन ने 1800 में कि एटम इज अनकटेबल, इट इज इंडिविजिबल। सो डाल्टन इन दैट इज 1800, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन हिज थ्योरी स्टेटेड दैट एटम इज इनडिविजिबल, वो अविभाज्य कण है, इनडिविजिबल। बट लेकिन अगर वो इनडिविजिबल है, तो फैराडे ने देखा कि जब हम डिससिमिलर बॉडी को आपस में रब करते हैं तो चार्जेस पैदा होते हैं। एक बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती है,
इनडिविजिबल। तो कुछ ना कुछ तो एक से दूसरे में जाता ही है, जैसे कि अगर दो चीजों को रब किया जाए इसको इसमें डिससिमिलर होना चाहिए, तो डिससिमिलर को रब करोगे तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एक में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है एक में लेने की, दोनों सिमिलर तो है नहीं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो क्या हो जाता है निगेटिव। तो वेन टू डिसिमिलर बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर देन समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर एंड इट इज विद फ्रॉम विद इन एटम। तो वो बाद में पता चल गया कि जैसे हम लोगों ने नाइन्थ में भी देखा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, नाइन्थ में ये सब देखा है कि नहीं, कि थॉमसन ने की, फिर इसके बाद गोल्डस्टीन ने की, फिर चैडविक ने की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड दैट इज न्यूट्रॉन, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेटर ऑन 1905 से इनकी खोज स्टार्ट हो गई, 1905 में हुई, 1919 में हुई, 1932 में हुई, तो 1905, 1919 और 1932 में तीनों खोज हो गई। सो डाल्टन का ये कह देना कि 1800 में ये कह देना एटम तो इनडिविजिबल है, बट बाद में 105 साल बाद उन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर रहते हैं उनकी डिस्कवरी हो जाना, तो उसके बाद फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि इनडिविजिबल है। नाउ द वेरियस साइंटिस्ट परसुएडेड व्हाट इज विद इन द एटम That determines the property of that matter. कॉपर का एटम जरूर कुछ खास होता होगा, उसके अंदर कुछ विशेष बात है जिसकी वजह से कॉपर ब्राउन शाइनी लश्चर है, आयरन का कुछ और प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम की कुछ और प्रॉपर्टी है। सो दे वर आफ्टर फाइंडिंग आउट स्ट्रक्चर सो दैट दे कैन नो वाई द डिफरेंट मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट्स सीक्रेट इज मे बी हिडन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहली बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए भी पता लगाना जरूरी हो गया था कि हम एटम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकें। सो लेटर ऑन तो बाद में क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने लगी। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई थॉमसन इन 1897, थॉमसन जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन ने उसके बाद प्रयोग किए, देन दे हैव डिस्कवर्ड प्रोटॉन। सो इन 1919, तो गोल्डस्टीन ने बता दिया था कि एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में गोल्डस्टीन ने कैनाल रे के तौर पर बता दिया था कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। सो इन 1919 और रदरफोर्ड ने उसके बारे में सारी चीज़ें बताई, प्रोटॉन का मास क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स है। सो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड इनको श्रेय जाता है। वैसे तो जो नेट है वो इनवेरिएबली बोलता है कि गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड दोनों का नाम लेता है, डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड जेम्स चैडविक इन 1932 डिस्कवर्ड, लगभग 100 साल के बाद ये सब हुआ, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ये तीनों की हुई। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल विच रिसाइड्स इनसाइड सेंटर, ये क्या है, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच रिसाइड्स जो रहते हैं इनसाइड सेंटर। And there was a curiosity within the scientist how the positive charge particle remains along with negative charge particles, why do they not get annihilated, उनका आपस में destruction क्यों नहीं हो जाता, एक positive एक negative merge कर जाए और इतनी energy पैदा करें कि atom ही burst हो जाए।
तो वो कैसे रह लेते हैं? हाउ पॉजिटिव एंड निगेटिव, वाई द पॉजिटिव चार्जेस लिविंग टुगेदर विद इन द एटम आर नॉट रिपेल्ड, वो रिपेल क्यों नहीं होते? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन कैसे रह लेते हैं? ये क्वेश्चन सिक्स से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने आपका हल नहीं किया कि न्यूक्लियस के अंदर जब आपसे मैं कहता हूं कि ये सोडियम में 11 प्रोटॉन, फिर कहता हूं कि इसके आगे मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, तो सांसें और चढ़ने लगती हैं कि 12 12 प्रोटॉन इतने छोटे से न्यूक्लियस में, अब वो भी रिपल्सिव हैं तो कैसे रह लेते होंगे? सो दीज क्वेश्चन आर अनआंसर्ड, और सिंस दिस ईरा उस समय भी अनआंसर थे, न्यूक्लियस में कैसे प्रोटॉन रह लेते हैं जब रिपेल करते हैं? तो सबने पढ़ाया है कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं तो कैसे रह लेते होंगे, तो इसलिए भी कि हाउ द स्टेबिलिटी इज अटेंड विद इन द न्यूक्लियस, इट वॉज ऑल्सो ए क्वेश्चन अमंग साइंटिस्ट टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसलिए इस दिशा में प्रयास तेज हुए। नाउ अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसकी खोज करना कि अलग अलग एटम का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये क्यों जरूरी हो गया था? सो नाउ द मेजर प्रॉब्लम, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज एसेंशियल टू नो। पहले हम एटम का स्ट्रक्चर पता करेंगे कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 टाइप्स के एटम्स हुए, तो 118 टाइप्स के एटम्स हैं तो उनके सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, उस उन एटम्स में ऐसा क्या खास हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी बदल जाती है? तो नो, व्हाई इट वाज एसेंशियल टू नो, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो पहले पेज के सबसे नीचे में दिया है, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हम ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर रहते हैं तो कैसे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जब ये तीनों डिस्कवर हो गए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेकंड टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट को अगर हम दूसरे से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके बेसिक लेवल पे एटम पे किया जाए। भाई हमारे बॉडी के सेल और प्लांट की सेल अलग अलग है, आपको मालूम है कि एनिमल सेल प्लांट सेल, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कितनी विभिन्नता पाई जाती है, तो उनके सेल में डिफरेंस है, उसमें सेल वॉल है, प्लांट सेल में हम में नहीं है, कितनी चीजें अंदर डिफरेंट हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि उनमें प्लास्टिड्स है तो हम में नहीं है, हम में सेंट्रियोल है तो उनमें नहीं है, ये सब हम देखते हैं कि कितना कितना सेल में डिफरेंस है, वहां वैक्यूल फुली डेवलप्ड है तो हमारे में एबसेंट पाया जाता है। तो ये सब होने की वजह से ही तो प्लांट अलग है और हम अलग हैं। तो इस तरीके से साइंटिस्ट वांट टू नो व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आपका एक सेल दे दिया जाए स्क्रूटिनी के लिए या टेस्टिंग के लिए लैब में, तो वहां उसकी डायग्नोसिस से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या बीमारी है, ब्लड टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो इसलिए इसकी भी जरूरत पड़ गई थी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जरूर कहीं ना कहीं उसके एटम्स के अंदर छिपी हुई है। सो टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर, द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द अदर इन टर्म्स ऑफ बोथ, इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये भी जरूरी था कि
कि हम ये जान सकें कि क्यों उसका अलग अलग वैलेंसी है, क्यों उसका अलग अलग टेक्सचर है, कलर है, ये हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जानना चाहते थे। और भी कुछ बातें थी, क्या बातें थी, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और उसके बाद तुरंत अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। कि अब एटम जान चुके हो तो अब मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानो, अमोनिया का जानो, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। देन वी नो दैट हाउ द चैप्टर ग्रोज, तो इसलिए टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्यों H2 बनाता है, क्यों H3 नहीं बनता, हाइड्रोजन डाईएटॉमिक ही क्यों है, इसी तरीके से ऑक्सीजन डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक दोनों क्यों है, ओजोन भी क्यों बना लेता है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, उनके पीछे क्या कारण है, और एक पर्टिकुलर टाइप्स के रेशो में ही बनते हैं, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से डिफरेंट एटम्स क्यों बनते हैं। H2 बनता है, O2 बनता है, O3 H2O बनता है, H3O क्यों नहीं बनता। और चौथी चीज, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाई एटम्स। एक और चीज है, इसे भी समझें। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये चीज है। जरा देखें, कभी आपने बार कोड देखा है किसी चिप्स के पैकेट में, ऐसे ऐसे बना होता है, ध्यान दिया है कभी? ऐसे बना होता है, इसका क्या मतलब है, यानी उस चिप्स के पैकेट को जब हम क्या करते हैं, व्हेन इट इज पास्ड, जब इसको हम रेस से पास करते हैं तो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रेडिएशंस इधर बच आ जाते हैं, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन सम रेडिएशंस कम आउट ऑफ इट उस चिप्स के पैकेट में, जो भी कंटेंट है, या बुक को रख दिया तो बुक में, तो जो यहाँ पर आया है उसको हम एक स्पेक्ट्रम या स्क्रीन पे ले लेते हैं और जैसा रेडिएशन इस पे बनता है बस वही बार कोड के रूप में छाप दिया जाता है। तो अगर इसके अंदर मान लो चिप्स की जगह आप और कुछ डाल दें, वेफर्स की जगह कुछ और डाल दें, आलू डाल दें या कुछ डाल दें, तो ये बार कोड डिफरेंट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, अलग अलग आइटम को लाइट के सामने रखना है, पास कर देना है और फिर उससे उसका बार कोड बन जाएगा। वैसे ही जो अलग अलग आइटम है, अब हम जान गए हैं कि हाइड्रोजन में देयर आर डिफरेंट शेल्स, एनर्जी लेवल्स होते हैं, या और भी आइटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, 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 1 2 3 4 5 और एक और भी शेल है, 6 सेल तक तो जा ही सकता है और उसके आगे और भी सेल है, फिर भूल जाता है, फिर लौट नहीं पाता है, यानी 6 तक जाके लौट भी आता है, नहीं तो फिर उसके बाद ये देखो फर्स्ट से कहां कहां जा सकता है, जरा देखो तो। लेकिन जाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन है। अब जमीन से ऊपर फेंकनी हो बॉल और ज्यादा ऊंचे फेंकनी हो तो क्या ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अट्रैक्शन से अपोजिट फेंकना चाहते हो ना, डू यू नीड एनर्जी। तो इसमें एनर्जी क्या होती है, जो बाहर से फोटोन होता है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी जो लाइट का पार्टिकल है, लाइट एनर्जी, वो भी तो पार्टिकुलेट है लाइट, तो अगर ये थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, तो फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, फर्स्ट से किस में जा सकता है, सिक्स में, ज्यादा एनर्जी दो तो सिक्स में भी जा सकता है,
फिर इसके अलावा ये सेकंड में पहुंच गया, तो सेकंड से भी तो इसके जाने की संभावनाएं बनती हैं। सेकंड से कहां कहां जा सकता है बताओ? सेकंड से भी ये जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, और कितने में जा सकता है बताइए? सिक्स में जा सकता है। और अगर मान लो अब ये थर्ड में पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं थर्ड में? यहां देखो, तो थर्ड से भी जा सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जीना दो दो करके उछल उछल के चढ़ते हैं, कुछ तीन तीन उछल के चढ़ते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से चढ़ते हैं। अब थ्री से भी आगे जा सकता है, मान लो थर्ड में पहुंच गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड से फोर्थ में चला जा सकता है। फिर थर्ड है तो आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से थर्ड से भी जा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। थर्ड से फोर्थ, थर्ड से फिफ्थ, थर्ड से सिक्स्थ, और थर्ड से आगे भी है, सेवेंथ में बहुत मुश्किल से वापस आ सकता है। हमने सेवन सेल बना दिए हैं तो फिर तब भी यहां पर ठीक लिखा है, एक एक्स्ट्रा सेल आप हटा सकते हैं। तो थर्ड से फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जा सकता है। फिर फोर्थ में अगर चला गया तो कहां जाएगा बताओ? फोर्थ से चला गया, मान लो ये फोर्थ में, तो फोर्थ से फिफ्थ में चला जाएगा, फोर्थ से फिर किस में चला जाएगा? सिक्स्थ में भी। सेवेंथ सेल भी अभी साइंटिस्ट ने आगे बना दिए, तो सेवेंथ सेल का भी नाम है जो भी है। तो अब ये देखो, फोर्थ से फिफ्थ में गया और फोर्थ से किस में चला गया? सिक्स में। मान लो फिफ्थ में चला गया तो फिफ्थ से सिक्स में कितने तरीके से वो आ जा सकता है, जा कितने तरीके से सकता है? पांच, पांच चार नौ, नौ तीन बारह, 13 14 15, 15 तरीके से तो जाने के तरीके हैं। फिर वैसे ही 15 तरीके से वो लौट भी सकता है। ये जो जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा बताओ? एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? जैसे उसके ऊपर फोटॉन गिरा तो उससे एनर्जी लेके वो चढ़ गया, तो 15 तरीके से क्या करेगा एनर्जी को? एब्जॉर्ब। उसको अलग अलग पैकेट दिया जाए, मान लो 2 जूल एनर्जी दी तो वो फर्स्ट से सेकंड में गया, 3 जूल दे दोगे तो फर्स्ट से थर्ड में गया, 3.5 दे दोगे तो फर्स्ट से फोर्थ में, फर्स्ट से फिफ्थ में, अलग अलग। उसको डेफिनेट फिक्स्ड 15 पैकेट चाहिए, उसे वही एनर्जी चाहिए। अगर वो 6.5 जूल एनर्जी लेके फर्स्ट से सिक्स में जाता है तो ना वो 6.4 लेगा ना 6.6, उसे सिर्फ 6.5 जूल का ही पैकेट चाहिए जिससे वो वहां जाए। नहीं तो क्या बीच में टंगा रहेगा क्या? 5.5 जीने तक जाकर वो बीच में रुका रहेगा क्या? बोलो। सो इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, अभी वन स्टेट पर है तो बताओ कहां पर है? ग्राउंड स्टेट। और वन के अलावा जितनी स्टेट है वो क्या है बताइए? एक्साइटेड स्टेट। जो ऊपर की स्टेट है वहां पर वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता, उसे लौटना पड़ेगा। तो इन स्टेट्स को क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और जहां पर वो रुक सकता है उसे क्या कहते हैं बताओ? फर्स्ट स्टेट को। मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है? ग्राउंड स्टेट। क्या कभी बॉल ऊपर फेंकोगी तो नीचे आएगी कि वहीं ऊपर टंगी रह जाएगी? तो ऊपर की स्टेट्स हो गई, यस, सो ऊपर की स्टेट्स हो गई एक्साइटेड स्टेट, और वापस जहां फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाए उसे क्या कहोगे? ग्राउंड स्टेट। तो 15 तरीके से जब मैंने उसको एनर्जी दी तो 15 तरीके से उसने एनर्जी ले ली, और जो फिर मुझे फाइनली यहां पर बीम मिली उसमें 15 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स मिसिंग मिले, 15 एनर्जी लेवल मिसिंग मिल गए। कहाँ गए वो सारे? जरूर इलेक्ट्रॉन ने ले लिए होंगे। तो अब मिसिंग क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ चुन के 15 ही तरीके की एनर्जी लेता है, ठीक है? जैसे यहां से आपको घर से स्कूल जाना है तो ना स्कूल से 2 कदम आगे जाना है ना पीछे जाना है, स्कूल ही जाना है। उसमें जो एनर्जी लगेगी उतने गिलास दूध पी लोगी, उससे न कम पियोगी ना ज्यादा। बोलो बात सही है? तो उसी तरीके से ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जरा देखो पेज नंबर 41 पे आ जाओ, 41 पेज पे जरा देखो, 41 पे क्या दिखाया गया है? इसमें कहीं कहीं ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, काला काला दिख रहा है, ये देखिए। तो ब्लैक का मतलब क्या है? वो लाइनें वो इलेक्ट्रॉन ने यूज की ऊपर जाने के लिए, और बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी बोला सब लोग क्या करो,
सब लोग निकल जाओ, हमें आपकी नहीं चाहिए। जहां जहां ये मिसिंग लाइन्स है वहीं अंधेरा है। 15 तरीके की टोटल लाइन समझ में आ गई, काउंट करोगी तो। अच्छा, कभी ऐसा है बताओ, ब्लू एनर्जी ज्यादा होती है कि रेड एनर्जी? एनर्जी किस में ज्यादा होती है? ब्लू। तो अगर कभी उसको 6.5 जूल में, वो सिक्स्थ में जाता है, आप कह दो लो 15 जूल ले लो, तो ले लेगा। ऐसा करके वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। उसको कहते हैं उसका आयोनाइजेशन हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर हाईएस्ट लेवल से ज़्यादा की एनर्जी दोगी तब भी ले लेगा, और फिर क्या हो जाएगा, परमानेंटली उस एटम को छोड़ देगा। तो ये ब्लू वाली उसने सारी ले ली और यहाँ पूरा अंधेरा कर दिया। क्यों अंधेरा कर दिया बताओ? सो दैट इट गेट आयोनाइज्ड। और यहाँ जो छोटी छोटी वहाँ सेलेक्टेडली, यहाँ से 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4, जैसे जैसे ज़्यादा एनर्जी देते गए तो फिर और आगे तक बढ़ता गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब इसी को ठंडा करो, इसी हाइड्रोजन की जो एक्साइटेड सैंपल है उसे कूल करो, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गया है तो क्या वो नीचे नहीं वापस आएगा? ऊपर यस गया सर। तो नीचे आके वो 15 तरीके की ब्राइट लाइंस भी दे रहा है। ऊपर वाली जरा देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा एमिट कर रहा है। 15 तरीके के फोटॉन जो उसने लिए थे बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग है, लाइन टू लाइन मिला लो वही वही आ रहा है। जहां जहां से लिए थे वहीं यहां भी लाइन है। और कभी कभी गलती से इन्फिनिटी से लौट के फिर वापस आ जाएगा, कहेगा हम बाहर कहाँ जाएं, इससे अच्छा अपने ही एटम पे आ जाओ। तो फिर पूरी ब्लू वापस दे देता है, अब 15 लाइनें यहाँ भी दे देता है। तो इसको कहते हैं वो एमिट भी करता है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। जब उसको अलाउ करो टू कूल तो वो क्या कर देता है? एमिट, उत्सर्जित कर देता है, अवशोषित कर लेता है और उत्सर्जित कर देता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरा एक कंटिन्यूअस बैंड बन जाएगा। मिला दो, बना कि नहीं पूरा? इसकी चमकदार लाइनें, इसकी ब्लू लाइनें और इसकी एब्सेंट लाइनें सब मिला दो। सो इन दैट केस यू विल गेट द कंप्लीट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इस चीज को भी जानना चाहते थे। चूंकि साइंटिस्ट उस समय के नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में संशय था कि अलग अलग एटम अलग अलग स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये 41 पेज खोल दिया जाए तो आप कहोगे ये कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे कि आपके चेहरे पर लाइट डाली जाए तो कुछ जगह लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जहां बाल हैं, जहां आईब्रोज हैं, वहां एब्जॉर्ब हो जाएगी और कहीं कहीं से रिफ्लेक्ट होगी। फिर चेहरे का अपना कॉम्प्लेक्शन भी होता है, शेड भी होता है, उसके हिसाब से लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होगी। तो जो एक फिल्म है, सिल्वर ब्रोमाइड की फिल्म है, उसमें जब वो जाएगी तो वो सिल्वर ब्रोमाइड को काला कर देगी, तो उससे इम्प्रिंट आ जाता है। तो अब जैसा आपका चेहरा है वैसा उसमें एक बन जाएगा शेड, और फिर उसको डेवलप किया जाएगा तो तुम्हारी फोटोग्राफ बन जाएगी। वैसे ही ये जो चीज है, ये एक हाइड्रोजन का चेहरा है, फेस, क्योंकि लाइट डाली गई, कुछ उसने एब्जॉर्ब की, बाकी एमिट कर दी। तो अगर हम आप नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इसको आइंस्टीन देखेंगे कहेंगे देखो ये हाइड्रोजन का चेहरा है, फिर दूसरा दिखाया जाएगा तो वहां कहेंगे देखो ये तो हीलियम का चेहरा है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड है। जो 15 लाइनें इसमें की वहां दूसरी होंगी, क्योंकि वहां सेंटर पर प्रोटॉन अलग अलग हैं, से किसी में 2 प्रोटॉन किसी में 3, तो सबको अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बताओ? तो इस तरीके से इट इज द फेस ऑफ डिफरेंट सर एलिमेंट। ये हाइड्रोजन का चेहरा है तो कहीं हीलियम का दूसरा होगा, तो फिर सोडियम का दूसरा होगा, क्योंकि सबके सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस अलग अलग हैं। तो इस तरीके से सबको अलग अलग तरीके के फोटॉन के पैकेट्स की जरूरत होगी। तो यही साइंटिस्ट कह रहे थे कि सबके स्पेक्ट्रम अलग अलग क्यों मिलते हैं, हाइड्रोजन का ऐसा मिल रहा है, तो हीलियम का ऐसा मिल रहा है, तो सोडियम का वैसा मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती थी, और इसलिए भी हमें एटम का स्ट्रक्चर जानने की आवश्यकता थी कि वास्तव में उसमें होता क्या है। उसमें कुछ सेल्स होते हैं, या जैसे थॉमसन ने बताया कि वो बिल्कुल जैसे खीर में पुडिंग हो, खीर में खजूर, ऐसे जड़े रहते, क्या चीज़ है एटम? इसलिए भी जानने की जरूरत थी आखिर वो अलग अलग एटम अलग अलग स्पेक्ट्रम क्यों दे रहे हैं, उनका फेस अलग अलग क्यों। जैसे इंसानों में होता है सबका चेहरा अलग अलग आता है अगर रोशनी डालो तो। तो फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन।
अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करता है, अगर उस पर डालोगे तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, और कूल कर दो तो क्या करेगा, एमिट। सो एमिटेड बाई एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा। सो इट वॉज ऑल टू बी नोन, इसलिए भी जरूरत पड़ी कि हम एटम का स्ट्रक्चर जाने। नाउ व्हाट वर द डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारी चीजें बताती थी। मास कंजर्व रहता है, कुछ रिएक्शन में चेंज नहीं होता, ऐसा सब कुछ बताती थी। बट माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने बताया कि व्हेन ग्लास इज रब्ड टू सिल्क, व्हेन ग्लास, एक ग्लास होता है, इज रब्ड टू सिल्क, देन ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्योंकि जो ग्लास है वो होता क्या है, बालू में अगर सोडियम मिला दो तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, NaAl और SiO2, ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, SiO4 करो तो फिर इसमें क्या होगा कि यहां पर ये 3+ और साथ ही साथ 1+ और यहां पर 4-, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। बालू में सोडियम एल्यूमिनियम डाल दो, ग्लास मिल जाए, अब मेल्ट कास्ट कर दो। अच्छा वाइल सिल्क, सिल्क क्या एक्वायर कर लेगा, सो सिल्क एक्वायर्स निगेटिव चार्ज। वहीं आबनूस की लकड़ी को, एबोनाइट, एबोनाइट एक काली लकड़ी होती है, वाइल एबोनाइट, एबोनाइट को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यहां के आता है इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड टू सिल्क देन एबोनाइट एब्जॉर्ब्स। कई बार क्या होता है कि जो हम लोग के पहले वाले बोर्ड होते थे स्कूल के, स्विच बोर्ड, उसको पीछे वो एबोनाइट के होते थे, तो एबोनाइट के होते थे, ये क्या होता है कि चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, तो पहले के स्विच बोर्ड एक तरीके का बहुत हार्ड मटेरियल आता था जिसको कहते थे सन बोर्ड या एबोनाइट बोर्ड, तो उसके बने हुए होते थे। तो इज रब्ड टू सिल्क देन एबोनाइट एक्वायर निगेटिव चार्ज, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया और इलेक्ट्रॉन का नाम यहीं से पड़ा है। वाइल सिल्क एक्वायर्स, एक्वायर्स की स्पेलिंग क्या होती है, सी आता है क्या कि नहीं आता है, है। आता है। सो वाइल सिल्क एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने क्या बताया, व्हाट वाज द माइकल फायराडेज ऑब्जर्वेशन कि एबोनाइट रॉड, Here are some pictures that तो match. ये एबोनाइट इस तरीके की लकड़ी है, अगर आप देखो नाउ ऐसी हो, ये है एबोनाइट, बट इट इज ए काइंड ऑफ वुड ओनली, ठीक है। सो इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सो ही हैज शोन इफ डिफरेंट सब्सटेंस आर रब्ड विद ईच अदर,
देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो इन्होंने बताया कुछ ना कुछ जो चीज ट्रांसफर होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव चार्ज। सो ही स्टेटेड, माइकल फैराडे ने क्या बताया, माइकल फैराडे स्टेटेड फैराडे, माइकल फैराडे 7th तक पढ़े हुए थे और माइकल फैराडे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये जिल्द साजी का, बुक बाइंडिंग का काम करते थे। तो अपने मालिक के यहाँ से वो एक दिन के लिए बुक ले जाते थे जो बाइंडिंग के लिए आती थी, और उसको पूरी पढ़ डालते थे रात भर में। तो इस तरीके से वो 7th तक पढ़े होने के बाद भी उन्होंने कई रिसर्च किए, उन्होंने केमिस्ट्री के लॉ बना दिए, फिजिक्स के लॉ बना दिए। और इनका ये ही वॉज वर्सेटाइल जीनियस, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एंड हैज गिवेन ए लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। माइकल माइकल फैराडे स्टेटेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्हीं की खोज है। स्टेटेड दैट व्हेन टू डिसिमिलर बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर देन सम निगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस। दैट व्हेन टू डिसिमिलर बॉडीज, रब्ड विद ईच अदर, देन सम निगेटिव पार्टिकल, अब इन्हें मालूम नहीं था पार्टिकल बोल दिया, नहीं तो इन्हीं के नाम पे जाता इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, निगेटिव पार्टिकल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, फ्लोरीन है ऑक्टेट पूरा करना है। सो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी मेटल मेटल हो सकता है या सब्सटेंस जो मेटेलिक करेक्टर रखते हो, टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस। तो चार्ज तो होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि चार्जेस तो होते हैं, ये उस समय भी पता चल गया था। नाउ देयर आर आल्सो सम बेसिक एक्सपेरिमेंट ऑन बेस्ड ऑन चार्जेस। तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं चार्जेस पे। सो नाउ वी विल सी दोज एक्सपेरिमेंट की क्या क्या चीजें हैं जो चार्ज पे बेस्ड हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन चार्जेस, नाउ ये देखिए कि इसको आप क्या है कि जो, ये स्क्रबर से इसको आप वो कर लें तो ऊपर हवा में तैर रही है, तो क्योंकि दोनों में सेम काइंड ऑफ चार्ज आ गए। ये देखो दोनों में अपोजिट चार्ज है तो ये इसके अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, अपोजिट चार्ज होने से अट्रैक्ट हो गया। तो ये देख लीजिए, ऐसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप ले लें, अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक माचिस की तीली को टेप से लगा दिया है, अब ये रिपेल हो रही है, सो इट कैन बी सीन। तो इसका मतलब है कि सिमिलर चार्ज दिया गया है, ये अभी अपोजिट चार्ज है, तो जैसा चार्ज होगा उस तरीके से होगा।
चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, जैसे मास होता है वैसे हर एक चीज में चार्ज होता है। सोप से बबल बना लिया, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन। ऐसे बैलून पे भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। अभी एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए गए, डांसिंग एल्यूमिनियम फॉइल, जरा देखें तो ट्रे में हमने इसको रब कर दिया, रब करने से चार्ज ट्रांसफर हो गया डिसिमिलर बॉडी को। और देखो ये हमने एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी, तो नाउ इट इज डांसिंग। ऐसा हमने देखा है कभी जो स्वेटर उतारते हैं तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आता है कि नहीं, ड्यू टू चार्जेस। या कभी आप हैंडल टच कर लो किसी दरवाजे का, तो उसमें क्या होता है अनेक कई बार क्या होता है कि ये देखो ये डांस कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू चार्जेस होंगे। थर्माकोल की छोटी छोटी गोलियां पॉलीथीन में डाल दो तो वो देखोगे और घिस दो तो वो रिपेल करती हैं, दूर जाएंगी एक दूसरे से। ये वाटर के बारे में दिखाया गया, जैसे जैसे पीवीसी, यहां देखो कि अगर वाटर को आप डायरेक्शन बदल सकते हो, पीवीसी से अट्रैक्ट हो जा रहा है, इट इज ड्यू टू चार्ज ओनली। बैलून में भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ये देखो अब अपोजिट है तो भाग रहा है ना। अब एक इलेक्ट्रोस्कोप बना रहे हैं, चार्ज को मीजर भी कर सकते हो। एक तार को मोड़ दिया और इसको देखो किस तरीके से एक डिब्बे में डाल दिया लास्ट में। अच्छा अब इसके एंड पे दो एल्यूमिनियम फॉइल डाल दो, दो एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी और ऊपर में अब इस पर निगेटिव चार्ज। देखो रॉड को सिल्क से रब किया, जब टच कर दो इसको, टच ना भी करो या टच कर दो तो वो रिपेल हो रहे हैं, अंदर के दोनों चीजें देखो कैसे रिपेल हो रहे हैं, इट इज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ चार्ज। तो जैसे जैसे हम रब कर रहे हैं तो उस रॉड में पीवीसी की रॉड में निगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि उसमें क्लोराइड नाम है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम टच करते हैं या कुछ करते हैं, सो वी आर एनकाउंटरिंग वेरियस डे टू डे इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस, ऐसा देखने में आता है। ये देखो पॉलीथीन को हवा में तैरा रहे हैं, इट इज ड्यू टू चार्ज रिपल्सन की वजह से, उसको नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है। Now we have seen, तो चार्ज के बारे में एक आइडिया लगा आपको थोड़ा बहुत कि चार्ज होता है कुछ, बोलो इसमें रिपल्सन हो समझ में आ गई ना बात। तो चार्ज रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो सच काइंड ऑफ इंप्रेशन वी हैव गॉट इन अवर माइंड कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी। तो जब भी आपने कभी अपने बालों में ऐसा हुआ कि सूखे बालों और उसमें कंघा फेरा हो गर्मी के मौसम में और फिर उसको पेपर, ऐसे बच्चे खेल करते हैं तो ऐसा होता है कि इफ वी रन कॉम ऑन ड्राई हेयर, जिसमें तेल ना लगाओ, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा नाउ। सो इन दैट केस देयर विल बी कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े डाल दो, सो दे गेट अट्रैक्टेड, ऐसा भी हो सकता है। अब जरा देखें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसके लिए हमें एक चीज देखनी होगी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, कैथोड
रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसका पूरा नाम देखो कि इट इज अ हाईली इवेकुएटेड ट्यूब। इस तरीके की ट्यूब होती है, हम लोगों के क्लासरूम में भी रखी हुई है। तो उसमें क्या होता है, देयर आर टू टर्मिनल्स, तो टू टर्मिनल्स हैं और उनको यहाँ पर कोई बहुत हाई वोल्टेज होगा उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा ये। और ये चीज वैक्यूम की ओर जा रही है, सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स वैक्यूम, सो इट इज वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप है तो यहां से इसको बिल्कुल इवैक्यूएट कर दिया। बहुत थोड़ा सा इसका प्रेशर है, अगर इसके प्रेशर की बात की जाए तो 0.00126 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी बहुत कम है, इट इज वेरी लेस। तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दे दिया गया है। अब जरा देखो कि बाकी इसमें कुछ ना कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं, ये चीज क्या हो जाएगी, इसको आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया है, आप ये समझ लीजिए 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट तक दे दिया गया, इतना वोल्टेज अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लस हुआ एंड, और ये कैसा हुआ माइनस। माइनस होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों, क्योंकि ये इतना प्लस है, इतना ज्यादा वोल्टेज है तो इतना प्लस चार्ज है, ये इसकी ओर तेजी से दौड़ेंगे, और तेजी से दौड़ने पर ये इसके बीच में जो हल्की फुल्की गैस है उससे भी टकराएंगे, और टकराने के बाद देयर विल बी ए काइंड ऑफ बीम, ब्लू ग्रीन बीम यहां पर बना देंगे, क्योंकि इतनी तेजी से दौड़ते हैं और कोलिजन करते हैं तो उसकी वजह से उनमें एक तरीके का हीट पैदा होता है कोलिजन से, तो वो एक ब्लू ग्रीन बीम पैदा होता है और यहां आके डिस्चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब प्लस में आएगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज। बताओ कैथोड कौन सा हुआ, मान लो यहां एक पॉजिटिव चार्ज होता, मान लो होता, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहां पर एक कैटायन होता, चाहे गैस का ही आयन होता, इसमें गैस भरी हुई है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन जहां चले उसे क्या कहोगे बताओ, कैटायन जिधर चलता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। तो ये क्या हुआ बताइए, कैथोड। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है? निगेटिव चार्ज है, क्या इसे एनायन कहेंगे, जिस पे निगेटिव चार्ज है वो एनायन कहेंगे, माइनस चार्ज हो गया, तो एनायन जहां चले उसे क्या कहोगे, एनोड। बिल्कुल सही राजदीप आपने कहा, सो इट इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। वेयर कैटायन मूव्स, वेयर कैटायन मूव्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज कॉल्ड कैथोड। सो द इलेक्ट्रोड यानी कि उस इलेक्ट्रोड में जिधर कैटायन मूव कर जाए, द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स विच विच एनायन मूव्स इज कॉल्ड एनोड। सो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज हाईली इवेकुएटेड ग्लास ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज हाईली इवेकुएटेड, इवेकुएटेड यानी हवा निकाल दी है, इवेकुएटेड ग्लास ट्यूब हुज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, हुज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, हुज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, टू हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स सोर्स विच कॉजेस, अगर इसको गर्म कर दो इस इलेक्ट्रोड को, यही कैथोड है, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस पे सनलाइट पड़ जाए तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
और अगर इस पर बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दो या प्लस लगा दो तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए। गर्म करने से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो कहा जाएगा थर्मियोनिक एमिशन। लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकले तो कहा जाएगा फोटो एमिशन, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन निकले तो बोला जाएगा वोल्टाइक एमिशन। तीन तरीके के एमिशन हैं, चूंकि यहाँ हम वोल्टेज लगाकर एमिशन प्राप्त कर रहे हैं तो इस वजह से इसे वोल्टाइक एमिशन कहा जाएगा। व्हेन इट इज एट ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस देन इट अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एंड दोज इलेक्ट्रॉन रशिंग टूवर्ड्स एनोड कोलाइड विथ पार्टिकल्स एंड जनरेट इल्यूमिनेटेड ब्लू ग्रीन बीम एंड वाइल दे कम्स हियर देन दे प्रोड्यूस क्रैकलिंग साउंड, एक आवाज भी आएगी चढ़ 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 की। तो वो यहाँ पर जैसे डिस्चार्ज होंगे, जैसे स्पार्क नहीं होता है, कहीं कहीं पर दो तार छू जाते हैं तो कैसे डिस्चार्ज होता है, जैसे लाइटनिंग नहीं होती है बादलों की तो कैसे गड़गड़ाहट होती है, उसी तरीके से क्रैकलिंग साउंड आएगा। डिस्चार्ज होने पर हमेशा जब अपोजिट चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, जब अपोजिट क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, तो कहते हैं कि देखो बिजली गिर रही है। उसी तरीके से इन दिस निगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम कैथोड टर्मिनल टू एनोड टर्मिनल। इन दिस निगेटिव चार्ज, अभी इलेक्ट्रॉन कहना ठीक नहीं रहेगा तो निगेटिव चार्ज बोल दे रहे हैं, बाद में थॉमसन तो इसे कही देंगे कि ये क्या है। निगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड गेट डिस्चार्ज देयर, और वहां पर वो क्या करते हैं, गेट डिस्चार्ज देयर, सो इट इज कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसी से थॉमसन ने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो इसका जानना जरूरी है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इससे संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आपके 11th में हैं। तो 150 रुपए की कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मिलती है बाजार में, तो वो ला के भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। नाउ अब देखें कि ये किस तरीके से इसमें होता है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो वी विल सी वॉट हैपेंस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखिए, So what I'm going to show you today is how they figured out that Dalton's model was not complete. And it began with this thing called a Crookes tube. Has anyone seen a Crookes tube before? So यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। It's a tube of glass that's ऐसा mostly हमारे यहाँ भी plastic, रखा हुआ है, दो most of ट्यूब्स the हैं air इस is तरीके taken के। out of it. And it's got an electrode on this side and an electrode on that side. If you look on the inside of it, there's a white तो आप देख सकते screen हैं, and the white screen is there for reasons I'll show you in a moment. इसको स्टैंड पे लगा दिया, और अब इसके जो दोनों टर्मिनल हैं उसको हम एक हाई वोल्टेज सोर्स में लगा देंगे, क्योंकि इसके दो टर्मिनल दोनों तरफ दिख रहे हैं और दो प्लेट दिख रही हैं, देख लो दिख रही कि नहीं, दो टर्मिनल। हाँ, तो उसको वो कनेक्ट कर देगा। सो आगे देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या करेगा, पहले इसे कनेक्ट कर लेने दो। ये देखो, अब यहाँ पर इसने एक रोशनी पैदा की। नाउ जस्ट सी, एक लाइट पैदा हो रही है ग्रीन कलर की। कैन यू परसीव दिस लाइट, एक रोशनी पैदा हो रही है, ठीक है। हाँ, तो वो दूसरी तरफ मूव कर रही है। दैट वी विल सी इन अदर वीडियोज ऑल्सो, सो दैट वी गेट द कंप्लीट आइडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अगर ये दिखाता है ठीक से, नहीं तो हम और में देख लेंगे। ये देखो, ये देखो, मैग्नेट के ऊपर नीचे करने से क्या हुआ, अब इसने देखो मैग्नेट लगाया,
तो मैग्नेट के ऊपर नीचे करने से ये बीम मुड़ गई। देखो बीम को मुड़ते हुए देख रहे हो, ठीक है। नाउ अब हम देखें कि देयर आर ऑल्सो अदर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू कैथोड रे ट्यूब। लेट अस सी दिस। ये है कैथोड रे ट्यूब। फ्री ट्रायल कर सकते हैं, तो ऐसा आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं? अब बेस्ट कुछ ये देखिए, कैथोड रे ट्यूब, कवर्ड कैथोड रे आर प्रोड्यूस्ड ये कैथोड रे ट्यूब है। हेंस द डिस्चार्ज ट्यूब इज जनरली रेफर्ड टू एज द कैसे कैथोड रे बैटरी से ट्यूब। कनेक्ट है, कैसे ये द इसमें कैथोड रे ट्यूब वैक्यूम इज अ पार्शियली से कनेक्ट है, सारी चीजें इनॉक्युलेटेड ग्लास देखिए। ट्यूब अब इज आगे कनेक्टेड देखिए, टू द पावर 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एमिटेड बाय द कैथोड। These तो rays इसमें are एक cathode तरीके की rays. बीम जनरेट होती है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल These करती rays है consist of और वो negative निगेटिव बीम incident. है। सो ये देखो, अगर मैग्नेट लगाया Cathode जाए rays तो produce वन साइड में ये X-rays बेंड when हो they जाती move है। almost equal to the दिस speed of the ऑल्सो light इज नॉट and शोइंग hence द possess kinetic कंप्लीट energy. डिटेल, सो When लेट अस cathode स्विच rays are ओवर made to टू fall on सम another अदर, wheel. ठीक है। नाउ वी विल गो टू सम अदर डेफिनेशन ऑफ कैथोड रे ट्यूब का, एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें ये चीज क्लियर हो। ये देखिए, This is a demonstration of the force on सो लेट अस सी कि डार्क में ये ट्यूब दिखाएगा। क्रैकलिंग साउंड देखो, टू कॉज इट टू डिस्चार्ज का कनेक्ट साउंड समझ में आ अपवर्ड। रहा है, और ये दिस लाइट मुड़ती फोर्स हुई ऑन दिख रही दिस ऊपर। पैनल, फिर से देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट डिफ्लेक्शन, कि यहां पर आप देखेंगे जस्ट द इलेक्ट्रॉन्स तो ये देमसेल्व्स अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी इसमें ये लाइट देगा तो लाइट जनरेट होगी और मैग्नेट भी लगाएगा तो वो मुड़ेगी। ये अभी सीधी जा रही है, बट स्पिन ऑफ मैग्नेट लगा देगा इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ तो ये मुड़ जाएगी। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन तो अब ये टुवर्ड्स यू मैग्नेट लगाया मुड़ गई कॉज इट ऊपर। टू डिफ्लेक्ट अपवर्ड। In order to understand that deflection, सो देयर इज ए डिफ्लेक्शन, जहां पर इसने delta डिफ्लेक्शन दिखाया velocity, गया है। एंड I'll reverse magnetic field, so सो it's coming toward वी me हैव instead of सीन toward you. कि ये निगेटिव चार्ज Let's सी see what होती happens है। then. अब जरा देखें, दैट वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नाउ दिस वॉज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, सो इट इज ए बीम ऑफ निगेटिव चार्जेस। ये कैसी है? दिस इज बीम ऑफ निगेटिव चार्जेस विच मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो फीचर्स ऑफ कैथोड रे, कि पहला क्या है, कैथोड रे मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये तो आपने देख लिया ना। और दूसरी चीज, दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, गेट डिफ्लेक्टेड किधर डिफ्लेक्ट होंगी? ये निगेटिव चार्ज है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज जिधर चल रहे हैं, समझो वो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो FBI प्रिंसिपल लगाएंगे। और बी मैग्नेट लगाया तो फील्ड हो गई, तो उन पे क्या फोर्स लगेगा? बस FBI से आप पता कर लोगे तो पता चल जाएगा। अभी थॉमसन पता करेंगे, हम भी बता देंगे। सो दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि वो चार्ज है, वो करंट है, तो करंट, तो FBI, करंट हो फील्ड हो तो फोर्स लगता है। ये हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा है। सो दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये कैथोड है, ये एनोड, और यहां से बीम चल के इधर आई, और आपने दो प्लेट लगा दी, एक ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी,
एक पे प्लस चार्ज दे दिया, एक अलग से ही बैटरी और लगा दी, यहां से एक और बैटरी लगाओ, तो ऊपर प्लस चार्ज दे दो नीचे माइनस चार्ज दे दो, और बाकी इनको तो आपने कनेक्ट किया ही है, ये देखो इनको तो कनेक्ट करेंगे ही, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां हमने इसको कनेक्ट कर दिया 500 वोल्ट से, और इसको ज्यादा नहीं देना है 10 वोल्ट प्लस माइनस। तो ऐसे केस में बताओ ये ऊपर मुड़ेगी कि नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम है तो ऊपर मुड़ जाएगी कि नहीं प्लस की ओर, बताइए निगेटिव चार्ज किधर मुड़ेंगे, प्लस की ओर कि निगेटिव की ओर? हाँ, सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन कैथोड रे मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, देन कैथोड रेज बेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, प्लेट बाकी और भी इसकी चार प्रॉपर्टी प्लेट्स हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, की कैथोड रे की और क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, और फिर ई बाई एम का रेशो क्या है, कैसे जे जे थॉम्सन ने निकाला, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टूडेज क्लास ओनली दिस मच इज देयर, थैंक यू।